आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। रीवा में मिर्ची बाबा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की शव यात्रा निकाली और प्रदेश की गौशाला में हो रही गाय की मौत के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे। बता दें कि मिर्ची बाबा ने गौशालाओं का निरीक्षण किया, बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिर्ची बाबा ने कहा कि गाय पर राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार में सड़कों में गाय मर रही है, गौशालाओं में ताला लगा है, पैसा बीजेपी के खजाने में जा रहा है। कि मस्तक में भगवान शिव जी का वास है, ब्रह्मा का वास है, विष्णु का वास है, वो गाय भूख से तड़प के मर रही है, घास नहीं है। जो छः छः महीना साल साल भर पहले गौशालाएं बन के रेडी हो गई हैं, उनमें गौ रखने का काम नहीं है, ताला डला है। अब अंदाज लगाइए कि आज की स्थिति में झूठ मूठ की घोषणा करने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं गाय को पैसा पहुंच रहा है, तो पहुंच रहा है तो फिर जा कहाँ रहा है? अगर पहुंच रहा है तो जा कहाँ रहा है? गऊ में तो पहुंच नहीं रहा है, गाय भूख से मर रही है। तो मेरा रीवाई आने का उद्देश्य किस लिए है कि मैंने एक बार देखा कि यहाँ नहर में किसानों ने गाय उतार दी। किसानों ने क्यों उतारी? किसान मजबूर है, किसान इसलिए वो मजबूर हो चुका है कि उसकी फसल उजड़ रही है, बच्चों को क्या खिलाएगा, कर्ज में इतना डूब चुका है। बता दें कि मिर्ची बाबा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शव यात्रा निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। बाबा जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन दिया। आपको भी बता दें कि मिर्ची बाबा ने कहा कि वे अब 13 अखाड़ों के 20,000 साधु संतों को लेकर सड़क पर उतरेंगे और मध्य प्रदेश में जिस तरह से गायों की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसका विरोध करेंगे। यहां पर भी बताते चले कि मिर्ची बाबा रीवा पहुंचे थे और जिले की 5 गौशालाओं का उन्होंने निरीक्षण किया था। इस दौरान जिले के विधानसभा गुड़ और देव तालाब की गौशालाओं का नजारा देखकर मिर्ची बाबा भड़क गए। मिर्ची बाबा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गौ माताओं की सड़कों में हत्या कराने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि गौशाला में गाय नहीं है, ताला बंद है और गाय के खाने के लिए ना तो चारा भूसा है और ना ही देखभाल करने वाला कोई है। जो खर्च मिलता है उसकी राशि भी बीजेपी नेताओं के खजाने में जा रही है। ये खबर आप तक रीवा से लाए हैं हमारे सहयोगी विजय कुमार विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए उनके तक के साथ।